अयोध्या से शुरू। अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया, लोगों को सड़क पर कर दिया गया। राहुल गांधी ने लगाया आरोप और भड़क गए सीएम योगी। किसका दावा है सच? संसद में एक बार फिर मच गया बड़ा हंगामा, जहां राहुल गांधी ने उठाए सवाल तो सीएम योगी ने भी उसका दे दिया जवाब। क्या सच में अयोध्या के लोगों को नहीं मिला मुआवजा? और क्यों रो रहे हैं आज भी अयोध्यावासी? राहुल गांधी का क्या था आरोप जिससे भड़क उठे योगी आदित्यनाथ? तो क्या राहुल गांधी का दावा झूठ है या अयोध्या प्रशासन का? तो आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू। अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया, लोगों को सड़क पर कर दिया गया। मित्रों, आज भी अयोध्या सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, और वो क्यों? तो इसका सीधा जवाब है अयोध्या के लोग, जो आज भी रो रहे हैं। और वाकई राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत से लेकर अब तक अयोध्या सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कुछ समय पहले अयोध्या अपने भव्य राम मंदिर और लगातार होने वाले विकास के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहा था, तो वहीं आज अयोध्या अपने लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी के लिए चर्चा में है। यहां धोखाधड़ी शब्द का इस्तेमाल करने की वजह है संसद में हुई हालिया बयानबाजी। जी हां, और हाल ही में संसद में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झड़प हुई, जिसकी वजह राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अब तक अयोध्या वासियों को मुआवजा नहीं दिया गया है। अब संसद में जैसे ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर मुआवजा न देने का आरोप लगाया, तो उसके तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस नेता पर संसद में गलत बयान देने का आरोप लगाया। योगी जी का कहना था कि संसद में अयोध्या वासियों को दिए गए मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी की है। उनका ये बयान यूपी और अयोध्या को बदनाम करने के लिए है, और राहुल गांधी का ये झूठा बयान बहुत ही शर्मनाक है। सीएम योगी के अनुसार राहुल गांधी ने संसद में जो भी मुआवजे को लेकर बयान दिया है वो एकदम गलत है, यानी कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आखिर सच है क्या? क्या सच में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? अगर इस बात का जवाब कोई सटीक तरह से दे सकता है तो वो सिर्फ अयोध्या वासी है, जो कि खुद इस घटना को फेस कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि उनका इस मामले में कहना क्या है। यहाँ आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं जिसमें मुआवजे को लेकर लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। भक्तिपथ पे हमारी दुकानें तोड़ी गई, हमको 3,81,000 रुपए मुआवजा मिला है। तो मित्रों, क्लिप में आपने देखा कि अयोध्या के लोग सरकार द्वारा मिले मुआवजे से कितने संतुष्ट है। इन दोनों व्यक्तियों ने अपने बयान में साफ कहा है कि वो सरकार द्वारा मिले मुआवजे से काफी खुश है। तो वहीं पर एक और क्लिप आप देखिए। मुआवजे से संतुष्ट है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब बनने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी ही हुई है। अभी जो है रामपथ पे जो चीजें बनी हुई है, अभी सब एक तरीके से बन गया है, देखने में सौंदर्यीकरण हो गया है, पर्यटक भी बाहर से आते हैं, तो उनसे हम लोगों को लाभ ही हो रहा है। अयोध्या वासी को मिले मुआवजे के साथ साथ बढ़ती हुई सेल की भी बहुत खुशी है। पुराने हिसाब से मिला फिलहाल मुआवजा, खैर जो भी है मिला है, लेकिन हम लोग के वैल्यूएशन बढ़ी, सेल बढ़ गया, रोज मेला अयोध्या में, रोज रामनवमी चल रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा है, लेकिन अगर ये सच है तो राहुल गांधी का संसद में लगाया गया आरोप क्या गलत है? तो यहाँ पर रुकिए, इसके जवाब को हम सिर्फ कुछ लोगों के बयान से ही नहीं समझ सकते हैं। अब एक तरफ जहाँ कुछ लोग बेहद खुशी से मिले मुआवजे को लेकर संतुष्टि जता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, और वजह यही मुआवजा। तो चलिए इसी मुआवजे के मामले के दूसरे फेज को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकदम खंडहर पड़ी है, लोग परेशान चल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। मुआवजा कितना दिया गया बाबूजी आपको? 1,00,000 रुपए थमा करके बगल कर दिए हम लोगों, बहुत परेशान राजा साहब कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मित्रों, ये है इस मामले का दूसरा फेज, जहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कि क्या बीत रहा है इन गरीबों पर। तो ये भी वही अयोध्या वासी है जो अयोध्या में रह रहे हैं और अपनी छोटी मोटी दुकानों से अपने घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन आज इनका ये क्या हाल है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि में उनके ही अयोध्या वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन पूरा मामला यहीं खत्म नहीं होता है। ऐसा बयान देने वाले सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी है जिन्होंने साफ शब्दों में मुआवजा न मिलने की बात कही है।
मकान है आपके यहाँ? ये हमारे बाबा दादा के जमाने से। बाबा दादा के जमाने से। अच्छा, जब ये सब निर्माण कराया गया, तोड़ा गया, उसके बाद मुआवजा देने की बात कही गई होगी, कितना मुआवजा देने की बात कही गई? 5 लाख कहा गया था और सहायता राशि से भी 1 लाख मिला बस। 5 लाख रुपए मुआवजा अलग और सहायता राशि 1 लाख अलग, ऐसा बोला था? सिर्फ अभी तक कितना दिया है? 1 लाख। 1 लाख रुपए दिया है, पूरा मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? बाबा दादा के जमाने से चली आ रही दुकान के मालिक जब गुप्ता जी से मुआवजे के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। उनके कहने के अनुसार सरकार का वादा था कि मुआवजे के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी 1 लाख रुपए उन्हें सहायता के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए की सहायता राशि देकर टाल दिया गया और अब तक मुआवजे की राशि गुप्ता जी को नहीं मिल पाई है। ये सिर्फ एक या दो के साथ नहीं हुआ है, इस तरह का बयान देने वाले और भी कई लोग हैं जो साफ कह रहे हैं कि उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। आप इस क्लिप को देखिए। मुआवजा नहीं मिला हम लोगों का, लगभग 14-15 महीने दुकान टूटे हुए हो गया है और अब दुकान टूट गया तो भोजन के लिए तो पैसे की आवश्यकता थी ही, तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से 1-1 लाख रुपए हम लोगों को दिया गया था सहायता राशि। 1 लाख रुपए सहायता राशि दी गई, मुआवजा नहीं दिया? नहीं, मुआवजा नहीं दिया गया, सहायता राशि दी गई जिससे व्यापार बंद हो जाए तो हम लोग भोजन तो कम से कम वो भी खत्म हो गया, व्यापार भी खत्म हो गया। यहाँ इस व्यक्ति का भी साफ कहना है कि दुकान बंद होने की वजह से व्यापार खत्म हो गया है तो भोजन करने के लिए पैसे तो चाहिए ही और इसके लिए प्रशासन की तरफ से केवल 1 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी गई है, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो चुकी है पर फिर भी मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी। यानी इन बयानों से आप साफ समझ सकते हैं कि अयोध्या में भले ही विकास की लहर चली है लेकिन ये लहर कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए ठीक नहीं रही। जहां बरसों पुराने समय से बने घर और दुकानों को तोड़ा गया एक वादे के चलते कि उन्हें बकायदा मुआवजा दिया जाएगा, वो भी उनके संतुष्टि के अनुसार, लेकिन अब तक अयोध्या वासियों को न तो मुआवजा मिला है और न ही संतुष्टि। और वहीं अयोध्या में बने एयरपोर्ट की वजह से जिनके घर तोड़े गए उनकी जमीन को एयरपोर्ट में इस्तेमाल किया गया, उनके भी मुआवजे को लेकर कुछ ऐसे ही बयान सामने आए हैं जैसे कि आप पहले इस क्लिप को देखिए। जब घर जमीन लिया गया मुआवजा दिया गया आपको? उचित दिया गया, ज्यादा नहीं दिया गया, संतुष्ट नहीं है। 3 विषय दिए हैं, जमीन दी, मुआवजा वगैरह? मुआवजा दिया है, बहुत कम दिए हैं, जमीन के हिसाब से मुआवजा नहीं हम लोगों को मिला है। मुआवजा मिला उससे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। इतना पैसा मुआवजा दिया गया आपको, दिया गया कि नहीं दिया? दिया गया। कुछ हैं संतुष्ट हैं जितना पैसा दिया? नहीं, संतुष्ट नहीं। इतना बताया गया था उतना पूरा दिया कि उसमें भी कमी है कोई? नहीं, कमी। कहीं मुआवजा जमीन के हिसाब से नहीं दिया गया तो कहीं जितना बोला था उतना दिया नहीं गया। यानी प्रशासन के द्वारा मुआवजा तो दिया गया लेकिन जिन लोगों की जमीन थी, जिन्होंने अपने घर मकान को तोड़कर अपनी जमीन दी, उनके हिसाब से नहीं बल्कि मुआवजा प्रशासन ने अपने अनुसार दिया। यहाँ समझने वाली बात मित्रों ये है कि जहाँ एक व्यक्ति बरसों से रह रहा है अचानक उससे वो जमीन वो घर मांगा जाए तो उसका क्या हल होगा? खैर काम तो नेक था, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना था तो ऐसे में आखिर अयोध्या वासी कैसे बिना कुर्बानी के रह लेते? तो उन्होंने अपने प्रभु के प्रेम में अपने घर और जमीन को देने का फैसला किया इस वादे के चलते कि उन्हें उनकी संतुष्टि के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब एक बार उनका घर टूट गया, उनके घर की जमीन पर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया तो ऐसे में आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और नई वादे के अनुसार उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। यहाँ आप एक और क्लिप को देखिए जो इस बात को साफ करती है। आपकी जमीन कहाँ थी? हमारी जमीन वहाँ पचेरिया गांव में, जहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ। हाँ। क्या था, जमीन था, घर था, दुकान था? घर खेत नहीं था मेरे पास, घर थी, दुकान थी। तो आपका घर दुकान लेके आपको यहाँ पे जमीन दी गई? हाँ, यहाँ जमीन दी गई। तो आपने अपना जो घर अपने पैसे से बनवाया? हाँ, वही अपने पैसा जो मिला रहा हूँ, मुआवजा थोड़ा बहुत हो गया और जो कुछ लाया अपना लगाई। तो मुआवजा आपको मिला, पूरा संतुष्ट है? हाँ, अब संतुष्ट है, पर यह संतुष्ट की बात है, मतलब न कुछ मिला था, कुछ न कागज न पत्थर, कोई काम नहीं हो रहा है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि सच क्या है? अयोध्या वासियों के द्वारा किए गए दावे जो कि ज्यादातर मुआवजे को लेकर असंतुष्ट है या फिर प्रशासन का दावा? आपको बता दें कि अयोध्या के जिला प्रशासन ने मुआवजे को लेकर कई दावे किए हैं। प्रशासन का कहना है कि अयोध्या के विकास कार्य के लिए मकान और दुकान को तोड़े जाने का मुआवजा नहीं दिया गया, ये आरोप गलत है। बता दें कि अयोध्या के DM नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें बताया गया कि भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे को बनाने के दौरान जिनके भी मकान और दुकानों को हटाया गया उन सभी के लिए प्रशासन ने मुआवजे के रूप में राशि दे दी है और प्रशासन के मुताबिक अयोध्या में जो हवाई अड्डा बना है उसके लिए
832.21 एकड़ की जमीन ली गई थी, जिसके लिए जमीन के मालिकों को 952.39 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। वहीं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाने के दौरान करीब 1357 घर और मकान प्रभावित हुए थे। प्रशासन के अनुसार उन्हें भी मुआवजा दिया गया है, जिसकी राशि 119.20 करोड़ रुपए बताई गई है। और इसी तरह राम पथ के लिए, भक्ति पथ के लिए और राम जन्मभूमि पथ जैसे सभी कामों के लिए घर, जमीन, दुकानों को लिया गया या थोड़ा बहुत हिस्सा उनका इस्तेमाल में लिया गया, उसके बदले में प्रशासन ने मुआवजा दिया है, ऐसा प्रशासन का कहना है। अब यहाँ पर कई तरह की बातें हो रही है। जहाँ एक तरफ कुछ अयोध्या वासी मिले मुआवजे से खुश है, तो वहीं कुछ लोगों को सिवाय सहायता राशि के मुआवजे में कुछ भी नहीं मिला। मुआवजे को लेकर ही जब प्रशासन से बातचीत की गई, तब उनसे कुछ सवाल पूछे गए, तो ऐसे में उस दौरान उनका जवाब था कि अधिक की चाह सबको होती है, हमें कम मिल रहा है जबकि दूसरे को ज्यादा मिल रहा है। तो ये बातें होती है, लेकिन वो लीगल रूप से है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी से बार बार ये पूछेंगे क्या आपको मुआवजा कम मिला, आप इंस्टिगेट करेंगे तो उनको लगता है कि और ज्यादा मिल सकता है। तो अधिक की चाह सबको होती है। तो यहाँ पर आपने प्रशासन और अयोध्या के लोगों की बातों को खुद ही देखा और सुना। अब आप खुद ही यहाँ पर फैसला कीजिए कि किसका दावा कितना सच हो सकता है। इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।